मी शालिनी, वेलकम बैक टू माई चैनल शॉपिंग कॉर्नर विद शालिनी। सो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही स्पेशल, बिकॉज आज मैंने कलेक्ट किया है मीशो से टॉप 5 इयररिंग्स। इयररिंग्स कुछ ऐसे ज्वेलरी है ना कि आप किसी भी नॉर्मल ड्रेस के साथ उसे वियर करके एक हैवी सा लुक दे सकते हो, एंड इसे आप गर्ल हो तो भी वियर कर सकते हो, वुमेन हो तो भी वियर कर सकते हो, मैरिड अनमैरिड सबके लिए बहुत ही परफेक्ट होता है इयररिंग्स, एंड आपको बहुत ट्रेंडी सा लुक भी देता है। सो उसी को ध्यान में रख के मैंने पिक किया है टॉप 5 इयररिंग्स, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, एंड इसमें आपको मिल जाएगा ऑक्सीडाइज एंड गोल्डन टच वाले भी ज्वेलरी, मतलब कि इयररिंग्स। सो अगर अभी तक मीशो को नहीं डाउनलोड किया है आपने तो मैंने दे दिया है अपना कोड मीशो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आपको इजीली वहां से जाके मीशो को डाउनलोड कर लेना है, एंड अगर आप उससे डाउनलोड करते हो तो आपको आपके फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर मिल जाएगा मैक्सिमम 100 रुपीज़ का या 30% का ऑफ। तो फटाफट से मीशो डाउनलोड कर लीजिए, एंड अगर आज के हॉल का कुछ भी पसंद आता है तो इन्हें ग्रैब भी कर लीजिए। सो स्टार्ट करेंगे अब अभी हम अपना इयररिंग्स का रिव्यू। सो मेरे पास जो फर्स्ट इयररिंग है, इन सभी की ओरिजिनल प्राइस एंड इमेज आपको साइड बाय साइड दिख जाएगा, बिकॉज मुझे हर एक का प्राइस रिमेंबर नहीं रहता है, सो आपको साइड में दिख जाएगा। सो फर्स्ट वन इज दिस ब्यूटीफुल सा इयररिंग मुझे रिसीव हुआ है, एंड इसके ऊपर आपको बहुत ही प्यारा सा समथिंग कुंदन टाइप का सिल्वर बेस का वर्क है, मतलब कि ऐसा इन्होंने इसमें अटैच किया है ना ये कुंदन छोटे छोटे बीड्स, कि ये आपको बिल्कुल सिल्वरिश टच में जाता है, बिल्कुल ऑक्सीडाइज लुक देगा, एंड बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। पर्सनली मुझे ये बहुत पसंद आया था, एंड इसकी अच्छी बात ये है कि ये आपको देखने में बहुत हैवी लुक दे रहा है, बट वियर करने में बहुत लाइट वेट है। तो अगर आपके कान का वो प्रॉब्लम है ना कि बहुत जल्दी कट जाता है, तो आपके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज आपको हैवी लुक भी देगा एंड आपके कान को भी बहुत सेफली रखेगा ये। सो दिस वन इज़ माई फर्स्ट। इसके अंदर आपको इसी तरीके के छोटे छोटे बीड्स मिल जाएंगे जो कि ऑक्सीडाइज के ही हैं, घुंघरू टाइप के कुछ बना रखा है इन्होंने, एंड मतलब आप फुल डे इसे कैरी कर सकते हो, वो ये इस तरीके का इयररिंग है। सो मुझे पर्सनली बहुत ब्यूटीफुल लगा था। सो दिस वन इज फर्स्ट, अभी मूव ऑन करेंगे आप। नेक्स्ट इयररिंग है ये अगेन एक ऑक्सीडाइज इयररिंग्स ही है, एंड इस तरीके का ये भी बहुत डिफरेंट पैटर्न में दिया है, एंड ये पहले वाले से भी ज़्यादा लाइट वेट है, एंड आपको बहुत ज़्यादा मतलब हैवी लुक भी नहीं दे रहा है, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सा लुक देने वाला है, एंड बहुत स्टाइलिश लग रहा था। इस तरीके के दो यहाँ पे आपको बर्ड्स बनाए हुए मिल जाएंगे, आपके साइड साइड में दो बर्ड्स बने हैं, एंड ये उनके आप बोल सकते हो टेल हैं इतने लंबे लंबे से, बीच बीच में आपके आपको छोटे छोटे इस तरीके के मोतियों के वर्क मिल रहे हैं, एंड ये भी किसी भी कलर के ज्वेल सूट के साथ आप वियर कर सकते हो, बहुत ही प्यारे लगेंगे, एंड आपको बहुत ज़्यादा कुछ वेयर करने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपली इन्हें वियर कर लो, आपका लुक बिल्कुल ही अलग हो जाने वाला है। सो दिस वन इज नेक्स्ट सेकेंड, अभी मूव ऑन करेंगे थर्ड की तरफ। जो मेरे पास थर्ड वाला है ना, ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है, बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही हैवी लुक देने वाला है, एंड ये भी आपको जितना हैवी दिख रहा है ना बिल्कुल उतना नहीं है, बहुत ही लाइट वेट सा इयररिंग है। इस तरीके का आपको इसके अंदर पोस्टर मिल जाएगा राधा कृष्ण का, साथ में आपको गोल्डन टच का पूरा वर्क मिलेगा, एंड इसके अंदर छोटे छोटे नग भी लगाए गए हैं, एंड आपको यहाँ पे नीचे के साइड में बीड्स मिल जाएंगे। इसके साथ आपको मिल रहा है सहारा जो अटैचेबल है, मतलब आप इसको निकाल के भी पहन सकते हो सिंपल, एंड और भी ज़्यादा हैवी लुक चाहिए तो मैंने यहाँ अटैच कर रखा है, इस तरीके से आप इसे अटैच करके भी वियर कर सकते हो। एंड इसके एक अच्छी बात ये है ना इसके सहारे की, कि आप किसी अदर भी इस तरीके के इयररिंग्स हैं उनको हैवी लुक देना चाहते हो, या फिर आपको पसंद है वो सहारा वाला, तो आप इसको लगा सकते हो उसके अंदर, बहुत ही प्यारा सा लग रहा था, बहुत ही हैवी सा लुक भी दे रहा है, कुछ और वियर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसको वियर करने के बाद। सो मैं आपको साइड बाय साइड जब पहन के दिखाऊंगी ना तो आपको इसका लुक ज़्यादा क्लियर आएगा, बहुत ही प्यारा सा ये इयररिंग सा लाइट वेट एंड बहुत ट्रेंडी सा है, सो बहुत अच्छा लगेगा आपके ऊपर, आप इसे डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। सो दिस वन इज नेक्स्ट थर्ड, अभी मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट इयररिंग है ये भी एक ऑक्सीडाइज ज्वेलरी ही है, एंड ये भी आपको बहुत सारे झुमके के साथ इन्होंने दिया हुआ है, साथ में आपको लटकने के लिए सहारा भी इन्होंने दिया है, आपको साइड में लटका लेना है या फिर आप पिनअप करके इसे सहारा वाला लुक भी दे सकते हो। सो इस तरीके का इन्होंने दिया है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक छोटा सा टप्स का डिज़ाइन, उसके नीचे आपको मिल जाएंगे ढेर सारे झुमके,
बट इतने सारे झुमके होने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है एंड आपको बहुत ट्रेंडी लुक देने वाला है। इसके साथ आपको बन बनाना पड़ेगा तभी इसका लुक बहुत क्लियर आएगा, बिकॉज मैंने ओपन वाल में ट्राई किया था बट मुझे उतना समझ में नहीं आया। सो आपको कंपलसरी है कि आप बन बना लो, अच्छा सा मैसी सा बन बनाओ, उस पर इसको वियर करो ना, बहुत अच्छा लगेगा। सो दिस वन इज नेक्स्ट, अभी मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट की तरफ। इस हॉल का लास्ट प्रोडक्ट है, मतलब टॉप फाइव का जो फिफ्थ नंबर का जो इयर रिंग है वो ऑलमोस्ट आपको तीन सेट मिल रहे हैं, मतलब इसके अंदर आपको तीन चीज़ें मिल रही हैं, टीका के साथ है। एंड अगर आप चाहो तो इसके इयर रिंग्स को सिंगल भी वेयर कर सकते हो, इस तरीके का है, बहुत प्यारा सा लुक देने वाला है आपको। मैंने इसे इयर रिंग के लिए ही परचेज किया था बट इसके साथ अगर आपको टीका भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। सो मुझे टीका भी मिल गया बट मैं पहले आपको इयर रिंग्स के बारे में बता देती हूँ। इयर रिंग्स में आपको ऊपर की तरफ बहुत अच्छा सा कुंदन का वर्क मिल जाएगा, एक मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ कुंदन का वर्क मिल जाएगा, साथ में आपको मोतियों का वर्क मिल जाएगा, ये छोटी छोटी मोतियाँ लगाई गई हैं, फिर नीचे भी आपको कुंदन का वर्क एंड लास्ट में आपको एक बड़ा सा पर्ल मिल जाएगा। सो इस तरीके का है एंड इसका जो साइन है ना बहुत ज़्यादा है, मतलब हल्की सी भी लाइट पे बहुत ज़्यादा ग्लो करता है ये। एंड इसका टीका भी बिल्कुल सेम डिज़ाइन में है, सेम पैटर्न में है। अभी मेरा फेस छोटा है, अगर आपका फेस थोड़ा सा हैवी है ना तो आपके ऊपर ये टीका बहुत जचने वाला है, बहुत मतलब हैवी सा लुक दे रहा है। टीका पहन लो, इयररिंग्स पहन लो, बस रेडी टू गो हो आप, बहुत प्यारा सा आपको लुक देने वाला है ये वाला सेट भी। एंड ना ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में था, सो इसका प्राइसिंग आपको साइड में मेंशन किया होगा मैंने स्टार्टिंग में। दोनों इस तरीके का है, बहुत ही प्यारा। ये रहा मेरा लास्ट वाला प्रोडक्ट एंड मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था ये वाला भी। सो ये रहा मेरे आज के टॉप 5 ईयरिंग्स के कलेक्शन फ्रॉम द मीशो। अगर आपको कुछ भी पसंद आता है, लेना चाहते हो, तो इन सभी का कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, आप वहां से इन्हें जाके इजीली परचेज कर सकते हो। इसके लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।